हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ साथ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट ट्रिक्स। तो स्टूडेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रॉबर्ट एंड्रू मेलिकन ने फाइंड आउट किया 1909 में एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसे हम आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब रॉबर्ट एंड्रू मेलिकन ने किस मेथड के थ्रू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया है, ये आज के लेक्चर का पार्ट है और आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। रॉबर्ट एंड्रू मेलिकन ने एक मेटेलिक चेंबर लिया। इस मेटेलिक चेंबर के अंदर इन्होंने टू फेरल मेटल फ्लेट्स लिए। एक था हमारे पास एनोड और दूसरा था हमारे पास कैथोड। एनोड अपर लिया, कैथोड लोअर लिया। इसके अलावा एनोड में होल्स भी थे ताकि ये जो एटमाइजर लिया, इस एटमाइजर के थ्रू जो आयल ड्रॉप प्रोड्यूस हो सके, ये आयल ड्रॉप इस एनोड से पास हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा इन्होंने इस एनोड और कैथोड के लिए एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया और इस मेटेलिक चेंबर के अंदर इन्होंने एयर आर गैस जो है इसको भी डाला और इस एयर या गैस के लिए इन्होंने सोर्स ऑफ एक्सरेस को भी अप्लाई किया इस मेटेलिक चेंबर को, ताकि ये सोर्स ऑफ एक्सरेस जो है इसके अंदर जो इस मेटेलिक चेंबर के अंदर जो एयर मालिक्यूल है या गैस मालिक्यूल है इसको आयनाइज कर सके और इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सके। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा इन्होंने टेलीस्कोप भी लिया ताकि वेलोसिटी ऑफ आयल ड्रॉप मेजर कर सके। मैंने आपको बताया कि इस एक्सपेरिमेंट को आयल ड्रॉप का नाम दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट को आयल ड्रॉप्स का नाम इस वजह से दिया गया कि ये एक्सपेरिमेंट पूरा आयल ड्रॉप पे बेस्ड है, तो इस वजह से इसको आयल ड्रॉप का नाम दिया गया। अब रॉबर्ट एंड्रू मेलिकन ने क्या कुछ किया कि जिसकी वजह से इन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड आउट किया? रॉबर्ट एंड्रू मेलिकन इन 1909। अब इन्होंने क्या किया? सबसे पहला स्टेप, इन्होंने एटमाइजर के थ्रू क्या किया, आयल ड्रॉप का स्प्रे किया। सबसे पहले इन्होंने इस एटमाइजर से आयल ड्रॉप का स्प्रे किया। ये क्या है? आयल ड्रॉप है। जब इन्होंने एटमाइजर से आयल ड्रॉप का स्प्रे किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये ऑफ था, तो इसकी वजह से आयल ड्रॉप क्या हुआ, आयल ड्रॉप मूव डाउनवर्ड विथ डाउनवर्ड वेलोसिटी। सबसे पहले मेलिकन ने इस एटमाइजर के थ्रू आयल ड्रॉप का स्प्रे किया। जब इन्होंने आयल ड्रॉप का स्प्रे किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ था तो आयल ड्रॉप ने डाउनवर्ड मूव किया विद डाउनवर्ड वेलोसिटी वी। ठीक है स्टूडेंट, विद डाउनवर्ड वेलोसिटी वी, हमने डाउनवर्ड वेलोसिटी को v1 से रिप्रेजेंट किया। मेलिकन ने यह फाइंड आउट किया कि जिस ड्रॉपलेट का वेट ज्यादा है इसी ड्रॉपलेट की डाउनवर्ड वेलोसिटी भी ज्यादा है, और जिस ड्रॉपलेट का वेट कम है इस ड्रॉपलेट के डाउनवर्ड वेलोसिटी भी कम है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ द ड्रॉपलेट्स। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, v1 is equal to k into mg। अब यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और इक्वलिटी लगाया। इक्वलिटी लगाने के लिए हम इसके साथ साथ कांस्टेंट भी लगाएंगे, तो v1 is equal to k into mg, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया। अब सेकंड स्टेप में मेलिकन ने क्या काम किया? सेकंड स्टेप में इन्होंने इस एक्सरे सोर्स को अप्लाई किया। जब इसने इस एक्सरे सोर्स को अप्लाई किया तो मैंने आपको बताया कि इस मेटालिक चेंबर के अंदर एयर मालिक्यूल है या गैस मालिक्यूल है, तो इस एक्सरे सोर्स ने एयर मालिक्यूल को आयोनाइज किया। जब इन्होंने इस एयर मालिक्यूल को आयोनाइज किया तो एयर मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आयल ड्रॉप्स ने पिकअप किए।
लेट सपोज ये हमारे पास आयल ड्रॉप्स हैं, तो आयल ड्रॉप्स ने इस इलेक्ट्रॉन को पिकअप किए, जब आयल ड्रॉप ने इलेक्ट्रॉन को पिकअप किए तो आयल ड्रॉप बिकम नेगेटिवली चार्ज। अब आयल ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज हो चुके हैं और इसके साथ साथ इन्होंने एट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अप्लाई किया। जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, अब ड्रॉपलेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू फोर्सेस, अब ड्रॉपलेट्स पे टू फोर्सेस एग्जर्ट कर रहे हैं, एक इसकी वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि हमारे पास एनोड इन्होंने अपर लिया था, एनोड पॉजिटिव है और ये जो आयल ड्रॉप है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से ये एनोड ये ड्रॉपलेट्स अपनी तरफ खींचेगा और इसकी वेट की वजह से ये नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा था, तो इस वजह से ड्रॉपलेट ने अपवर्ड मूव किया विद अपवर्ड वेलोसिटी v2। ड्रॉपलेट ने अपवर्ड मूव किया विद अपवर्ड वेलोसिटी v2। रॉबर्ट एंड्रू मेलिकन ने ये पॉइंट आउट किया कि ये अपवर्ड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e e - mg। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है और mg वेट है, तो उन्होंने कहा कि ये जो डाउन अपवर्ड वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e - mg। ठीक है स्टूडेंट, अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या करते हैं, इक्विलिटी लगाते हैं और साथ ही कांस्टेंट लगाते हैं, तो v2 इज इक्वल टू के इनटू e e - mg, इसको हमने इक्वेशन सेकंड का नाम दिया। चलो दोबारा रिवाइंड करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट एंड्रू मेलिकन ने एटमाइजर से आयल ड्रॉप का स्प्रे किया, जब इन्होंने एटमाइजर से आयल ड्रॉप का स्प्रे किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ था तो इस ड्रॉपलेट ने डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू की विद डाउनवर्ड वेलोसिटी v1। रॉबर्ट एंड्रू मेलिकन ने यह पॉइंट आउट किया कि यह जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, जब ड्रॉपलेट का वेट ज्यादा है तो इसके डाउनवर्ड वेलोसिटी भी ज्यादा है, जब ड्रॉपलेट्स का वेट कम है तो इसके डाउनवर्ड वेलोसिटी भी कम है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इसके अलावा इन्होंने स्टेप टू में ये किया कि सोर्स ऑफ एक्सरेज अप्लाई किया, इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल है तो सोर्स ऑफ एक्सरेज अप्लाई करने की वजह से इस एयर ये जो एयर मॉलिक्यूल थे ये आयोनाइज हुए और इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। ऑलरेडी हमारे साथ इस मेटेलिक चैम्बर में जो आयल ड्रॉप थी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पिकअप किया तो आयल ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज हुए, अब इन्होंने साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑन किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हुए तो अब ड्रॉपलेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू फोर्सेस है, एक इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, क्योंकि हमारे पास एनोड ऊपर लगा हुआ है और एनोड पॉजिटिव है और ये जो ड्रॉपलेट है ये नेगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर था ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो इस वजह से ड्रॉपलेट ने अपवर्ड मूवमेंट शुरू की, जब ड्रॉपलेट ने अपवर्ड मूवमेंट शुरू की तो इसके अपवर्ड वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, v2। ये जो अपवर्ड वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e - mg, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है स्टूडेंट, mg इसका वेट है। हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, इसके साथ इसकी जगह इक्वेलिटी लगाया और कांस्टेंट लगाया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, v2 = k * e - mg। अब हम चार्ज पॉइंट करते हैं ऑन इलेक्ट्रॉन, तो रॉबर्ट एंड्रू मेलिकन ने क्या किया, रॉबर्ट एंड्रू मेलिकन ने इसका मैथमेटिक्स कुछ यूं किया, डिवाइड इक्वेशन 1/2, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड पे डिवाइड किया, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, v1/v2 इज इक्वल टू के इनटू mg डिवाइड बाय के इनटू e e - mg, ये के साथ कैंसिल हुआ तो ये आया v1/v2 इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय e e - mg। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये आया v1 into e e - mg इज इक्वल टू v2 mg। ठीक है स्टूडेंट, अब v1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आया v1 e e - v1 mg इज इक्वल टू v2 mg। अब यहाँ पे भी v1 mg है, यहाँ पे v2 mg है,
या इन दोनों में एम जी कॉमन है, तो इन्होंने माइनस वी वन को यहाँ पे मूव किया, तो जब माइनस वी वन हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो ये प्लस वी वन हो जाएगा, तो ये टोटल इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगा, वी वन ई ई इज इक्वल टू वी वन एम जी प्लस वी टू एम जी, तो यहाँ पे एम जी कॉमन है, तो वी वन ई ई इज इक्वल टू एम जी एन टू वी वन प्लस वी टू। ठीक है स्टूडेंट, अब चार जन इलेक्ट्रॉन हम फाइंड करते हैं, तो सिंपली ई को यहाँ पे छोड़ेंगे और वी वन ई को यहाँ पे इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो ई इज इक्वल टू एम जी एन टू वी वन प्लस वी टू डिवाइड बाय वी वन ई। तो इन्होंने एम जी वी वन और वी टू और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फुट आउट किया और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया। अब मिलिकन ने जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया, इसके हिसाब से हर एक आयल ड्रॉपलेट्स का डिफरेंट चार्ज था, लेकिन जो स्मॉलेस्ट चार्ज था मिलिकन ने फाइंड आउट किया, तो वो होता स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10^-19 कूलम। The smallest charge which Millikan find out on electron is 1.6 multiplied by 10^-19 कूलम। इसके अलावा CGS सिस्टम में कूलम जो है, CGS सिस्टम में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो 4.80 multiplied by 10^-10 ESU electrostatic unit, ये CGS सिस्टम में चार्ज का यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट, इसको लिख ले, अब हम मास ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। तो मास ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने चार्ज टू मास रेशियो लिखना है, तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10^11 कूलम पर केजी। ठीक है स्टूडेंट, हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10^-19 कूलम। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड का नाम दिया। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन वन, सो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10^-19 कूलम डिवाइड बाय एम is equal to 1.7588 multiplied by 10^11 कूलम पर केजी। ये यहाँ पे डिवीजन में है तो वहाँ पे जाएगा और ये 1.7588 यहाँ पे आएगा, तो हमारे पास m is equal to 1.6 multiplied by 10^-19 कूलम डिवाइड बाय 1.7588 मल्टीप्लाई बाई 10^11 कूलम पर केजी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाई 1.7588 मल्टीप्लाई बाई 10^-19 और ये प्लस 11 है तो ऊपर जाएगा माइनस 11 हो जाएगा -11। ठीक है स्टूडेंट, ये जो कूलम था यहाँ पे ये कूलम के साथ कैंसिल हुआ, केजी डबल डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 1.6 जब हम 1.7588 पे डिवाइड करते तो ये हमारे पास आ जाता है 0.911 मल्टीप्लाई बाय 10^-19 प्लस माइनस 11 माइनस 30 केजी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10^-31 केजी। तो स्टूडेंट हमने चार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10^-31 केजी।
तो स्टूडेंट चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें पता चला कि चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.7588 मल्टीप्लाई बाई 10^11 कूलम। चार्ज ऑन 1 electron is equal to 1.6 multiplied by 10^-19 कूलम। तो स्टूडेंट अगर हमसे कुछ पूछे कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें पता है कि 1.6 multiplied by 10^-19 कूलम में 1 electron है, तो 1 कूलम में कितने हो गए, तो 1.6 multiplied by 10^-19 कूलम में 1 electron है, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसी क्वांटिटी को जब हम इसी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 कूलम। तो 1 कूलम इज इक्वल टू, जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इससे वैल्यू आती है 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10^18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम में 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10^18 इलेक्ट्रॉन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईटा 2018 में ये MCQs आया था, मेडिकल की ईटा 2018 में MCQs आया था। तो स्टूडेंट अब अगर हमसे कोई पूछे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें पता है कि हर एक चीज़ के 1 मोल में 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल होते हैं। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10^23 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हमसे कोई पूछे फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 500 कूलम, 500 कूलम में इलेक्ट्रॉन के तादाद को फाइंड करें कि 500 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमें पता है कि 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10^-19 कूलम में 1 electron है, तो 500 कूलम में x इलेक्ट्रॉन होगी। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10^-19 x इज इक्वल टू 500, डिवाइड बोथ द साइड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10^-19, तो ये यहाँ पे x आ जाएगा, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इस तो ये 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10^12, हमने राइट टू लेफ्ट मूव किया है तो ये हमारे पास पॉजिटिव पावर होगा, कितना मूव किया है 2.12, तो ये हमारे पास +2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड बाई 1.6, ये -19 है, जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 5.0, जब हम 1.6 से डिवाइड करते हैं तो इससे वैल्यू आती है 3.12, और पावर 19 जब हम पावर 2 से प्लस करते हैं तो इससे आता है 10^21। तो हमने फाइंड आउट किया कि 500 कूलम में 3 मल्टीप्लाई बाई 3.12 मल्टीप्लाई बाई 10^21 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला डिराइव हो चुका है कि हमारे पास क्या है, ये चार्ज गिवन है, चार्ज गिवन है 500 कूलम, हमें गिवन चार्ज दिया है, और ये क्या है, ये चार्ज ऑन 1 electron है, चार्ज ऑन 1 electron। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए जब आपको चार्ज दिया हो, जो आपको चार्ज दिया हो और आपसे कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए ये फार्मूला है, जब चार्ज गिवन डिवाइड बाई चार्ज ऑन 1 electron। तो अब हम इसी फार्मूले से एक और MCQ को सॉल्व करते हैं। लेट सपोज हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3.2 कूलम, 3.2 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज गिवन कितना है 3.2, चार्ज ऑन 1 electron कितना है 1.2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10^-19 इज इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाई 1.6, ये -19 जब ऊपर जाएगा तो +19 मल्टीप्लाई बाई
19 3.2 पे जब हम 1.6 से डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 2 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन। तो 3.2 कूलम्ब में इतनी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU, तो आप AMU में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह फाइंड करेंगे? ये मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास में समझाया है। रिलेटिव एटॉमिक मास में मैंने फार्मूला लिखा था मास इन AMU इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय 1.661 × 10⁻¹⁴ ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, अब मास इन AMU इलेक्ट्रॉन का पॉइंट करना है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 × 10⁻³⁻³ kg। जब हम इसको ग्राम में लिखेंगे तो यह आ जाएगा −28 ग्राम डिवाइड बाय 1.661 × 10⁻²⁴ ग्राम। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9.11 × 1.661 × 10⁻²⁸, ये −24 है, जब ऊपर जाएगा तो +24 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9.11। जब हम 1.661 से डिवाइड करेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगा 5.48 × 10⁻¹⁴। यहाँ पे −28 + 24 से वैल्यू आ जाएगी −4 AMU। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो इससे वैल्यू आ जाती है 5.5 × 10⁻⁴ AMU। यह हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.0005.55 AMU। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में कितना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में है 0.0055 AMU। अब हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में पॉइंट हो चुका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम में पॉइंट हो चुका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केज में पॉइंट हो चुका है, इसके अलावा हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पॉइंट की है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास AMU में कितना है? 0.00055 AMU। और इस पे कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 10 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास AMU में कितना होगा, आपको चार्ज दिया है कूलम में और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे मांग रहा है AMU में, आपसे ग्राम में नहीं मांग रहा, आपसे केजी में नहीं मांग रहा, आपसे उनले AMU में मांग रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो हमें पता है कि 1.6 × 10⁻¹⁹ kg = 0.00055 AMU। 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो 10 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा x। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ −19 x, x का वैल्यू हमने फाइंड करना है, और ये आ जाएगा 10 × 0.00055। तो जब हम इसको 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 × 10⁻¹⁹ −19, तो ये आ जाएगा x, तो x इज इक्वल टू x कितना आए, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0.0055। जब हम 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे एक जीरो जो है वो डिक्रीज हुआ, एक जीरो जो है ये पॉइंट यहाँ पे आया, ये पॉइंट यहाँ पे आया। ठीक है, जब हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 0.0055 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻¹⁹ ठीक है स्टूडेंट, अब हम
अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं तो आ जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 एस टू द पावर 1, 2, 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 1.6 प्लस ये माइनस 19 है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, तो ये प्लस 19 और एक्स इज इक्वल टू 5.5 को जब हम 1.6 से डिवाइड करते हैं तो इससे जो वैल्यू आ जाती है वो वैल्यू है 3.4 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर माइनस 3 प्लस 19, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 16 AMU। तो 10 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन का मास MU में कितना है? 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 एस टू पावर 16 AMU। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव हो चुका है। अगर हमको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है और हमसे मास इन AMU चाहता है, तो मास इन AMU इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 AMU। सॉरी मैं यहां, तो अगर हमसे मास इन AMU चाहता है, मास इन AMU चाहता है और हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हम क्या करेंगे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन को हम मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन AMU डिवाइड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जब हमसे मास AMU में चाहता है तो हम क्या करेंगे? हम जो चार्ज गिवन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन AMU से, डिवाइड करेंगे चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें दिया है वो कितना है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 है, तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन AMU कितने है? 0.00055 डिवाइड बाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये हमारे पास इससे वैल्यू आ जाएगी 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 16 AMU। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हमने बहुत से MCQs सॉल्व किए। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ में बिल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।